बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने मुकम्मल कर लिया था आपकी बुक के चैप्टर नंबर 3 डेटा कम्युनिकेशन को, जिसके अंदर हमने इंटरनेट और नेटवर्किंग की डिटेल्स देखी थी। आज के लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये देखते हैं कि हम उस चैप्टर के अंदर किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे, क्योंकि हम आपकी सिर्फ एक बुक को मुकम्मल नहीं कर रहे, सिर्फ एक बुक के टॉपिक्स को कवर नहीं कर रहे, बल्कि पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली तमाम इंटर कंप्यूटर साइंस की बुक को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, अलग अलग बुक्स होने की वजह से टॉपिक्स में फर्क आ सकता है, इसीलिए इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जिन जिन टॉपिक्स के अंदर डिफरेंस है, हम उससे आपको आगाह कर सकें। तो आइए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे उसमें हम देखेंगे कि व्हाई वी स्टडी कंप्यूटर, यानी हमें इस चैप्टर में या फिर इस सिलेबस में कंप्यूटर को पढ़ने की जरूरत क्यों है। इसके बाद जो अगला टॉपिक कवर करेंगे वो है यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड्स। तो दोस्तों, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर आपका इसी टॉपिक पर बेस्ड करता है, जिसके अंदर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि बिजनेसेस की फील्ड में किस तरीके से कंप्यूटर को इस्तेमाल करके आप अपने बिजनेसेस के प्रॉफिट्स का रेशियो बढ़ा सकते हैं, जिसके अंदर हम मार्केटिंग, स्टॉक एक्सचेंज, बैंक, डिपार्टमेंटल स्टोर और ऑफिसेस के अंदर किस तरीके से कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जा रहा है, इसकी डिटेल्स को कवर करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे ई-कॉमर्स, यानी ई-कॉमर्स की फील्ड में कंप्यूटर को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक मेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की डिटेल देखेंगे, यानी ये कह ले कि ऑनलाइन चीजों की डिटेल देखेंगे। इसके बाद इंडस्ट्रीज में कंप्यूटर को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके अंदर हम रोबोट्स और इससे रिलेटेड तमाम चीजों की डिटेल देखेंगे। और इसके बाद हम एजुकेशन की फील्ड में कंप्यूटर को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके अंदर हम कंप्यूटर एडेड लर्निंग और कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग्स में किस तरीके से कंप्यूटर यूज किया जाता है, कंप्यूटर को इस्तेमाल करके आप अपने कामों को आसान बना सकते हैं, इसकी डिटेल्स देखेंगे। इसके बाद और डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, जैसे कि कैड, सिमुलेटर्स, मेडिकल, एयरलाइन सिस्टम, वेदर फॉरकास्टिंग, होम और दूसरी जगहों पर किस तरीके से कंप्यूटर को इस्तेमाल करके कंप्यूटर का फायदा हासिल करके आप अपने कामों को बहुत ही ज्यादा आसान और मुफीद बना सकते हैं, इसकी डिटेल्स देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ तक ये टॉपिक यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड्स खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर किस तरीके से आप पर असरअंदाज हो रहा है, जिसके अंदर हम सबसे पहले जो टॉपिक कवर करेंगे वो है इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर ऑन पीपल, यानी लोगों पर कंप्यूटर के क्या असरात पड़ रहे हैं, इसके क्या फायदे हो रहे हैं, क्या नुकसान हो रहे हैं, इसके ऊपर बहस करेंगे। और इसके बाद जो इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर इन ऑर्गेनाइजेशंस, यानी ऑर्गेनाइजेशंस पर किस तरीके से कंप्यूटर असरअंदाज हो रहा है, कंप्यूटर उन ऑर्गेनाइजेशंस को मुतासिर कर रहा है, इसकी डिटेल्स देखेंगे। तो दोस्तों, ये चंद टॉपिक हैं जो कि हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। और एक और अहम बात, इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर का टॉपिक पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली दूसरी कंप्यूटर साइंस की बुक, जैसे कि कराची टेक्स्ट बुक, सिंध टेक्स्ट बुक के अंदर ये टॉपिक मौजूद है। फ्रेंड्स, ये थे कुछ डिफरेंसेस जिनसे हमें आपको आगाह करना था। अगले लेक्चर के अंदर हम आपके इस टॉपिक का बाकायदा आगाज करेंगे, इस चैप्टर का बाकायदा आगाज करेंगे इस टॉपिक के साथ कि व्हाई वी स्टडी कंप्यूटर, यानी हम कंप्यूटर को ही क्यों पढ़ रहे हैं, हमने कंप्यूटर को ही क्यों चूज किया है। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है।